जोधपुर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, अन्य राज्य की महिला शादी के बाद प्रदेश में नौकरी में नहीं होगी आरक्षण की हकदार। एससी एसटी ओबीसी के आधार पर नहीं ले सकती सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की हकदार है। हनुमानगढ़ के नोहर में रहने वाली एक महिला सुनीता ने याचिका दायर की थी। पंजाब की रहने वाली सुनीता की शादी राजस्थान के नोहर में हुई थी, जिसके बाद उसने एससी जाति प्रमाण पत्र के लिए नोहर तहसीलदार के पास आवेदन किया था, लेकिन तहसीलदार ने राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के कारण आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने मामले में आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के साल 2018 और 2020 में इसी तरह के मामलों में कई फैसले दिए गए हैं। शादी करने के बाद कोई महिला राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस तरह के मामले जो आए हैं उनको लेकर अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। तो आपको बता दें, जाति प्रमाण पत्र की हकदार है, लेकिन नौकरी में आरक्षण की हकदार महिला नहीं रहेगी। जोधपुर हाईकोर्ट का ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आ आया है। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस तरह के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी यही स्पष्टीकरण दे चुका है कि इस तरह से अगर दूसरे राज्य की कोई भी महिला राजस्थान में आती है शादी करने के बाद में, तो उसे जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन नौकरी में आरक्षण की हकदार वो महिला नहीं रहेगी। तो आपको बता दें, जोधपुर हाईकोर्ट ने ये बड़ा और अहम फैसला यहां पर सुनाया है। जोधपुर हाईकोर्ट का आज महत्वपूर्ण फैसला आया, जहां अन्य राज्य की महिला प्रदेश में नौकरी की आरक्षण की हकदार नहीं रहेगी, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की हकदार महिला रहेगी। हनुमानगढ़ के नोहर में रहने वाली एक महिला ने यहां पर याचिका लगाई थी और उसी याचिका को यहां पर खारिज किया गया है। जाति प्रमाण पत्र की बात यहां पर कही गई है कि महिला को जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस वक्त की इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस तरह के मामलों को लेकर अपना आदेश सुना चुका है या अपना स्पष्टीकरण दे चुका है, अब जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से भी बड़ा और अहम फैसला सुना दिया गया। जी निश्चित रूप से, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि दूसरे राज्य की कोई महिला यहाँ आकर के शादी करती है तो वह नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं होगी। इस संबंध में हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में भी अपने फैसलों में इस तरह की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमानगढ़ की रहने वाली जो सुनीता रानी है उसने यह याचिका दायर की कि उसका आवेदन है वो खारिज कर दिया गया है। ने आज एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उसका जाति प्रमाण पत्र तो बन सकेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो कहने को स्पष्ट तौर से एक महत्वपूर्ण आदेश है और इसको लेकर के कई जो एग्जामिनर है या जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी है वो प्रभावित होंगे। जी चलिए शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।